तो आमिर माजिद का यूट्यूब चैनल यूट्यूब से रिमूव हो चुका है। ये चैनल क्यों रिमूव हुआ आमिर माजिद से खुद सुन लीजिए। बट भाई वहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा, क्रिएटर स्टूडियो पे एक ही चीज आ रही है डू नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं 500 बार लॉग इन कर चुका हूँ बट भाई कोई पता ही नहीं है कि भाई चैनल कहाँ चले गया। रात को एक वीडियो भाई मैंने अनलिस्टेड करके डाला था एंड समझ ही नहीं आ रहा भाई एकदम अचानक से क्या हो गया। सो अभी भाई मैंने मेल वगैरह किया यूट्यूब वगैरह को, होपफुली चैनल जो है गाइस विद इन 6 या 7 आवर्स वापस आ जाए भाई। ऐसा भाई दुआ करो इस टाइम पे भाई। मैं अभी इस टाइम पे करगिल पहुंचा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ भाई, ठीक है ना, एकदम अचानक से भाई अभी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी चैनल वापस आ जाए। और अभी आमिर माजिद करगिल में पहुंच चुके हैं, पहले कश्मीर में उन्हें गाड़ी उतारी थी बट काफ़ी ज़्यादा टूर पे ट्रिप से पहले ही इतनी ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, चैनल रिमूव हुआ। होप करते हैं जल्दी चैनल वापस आ जाए। तो फाइनली गाइज आमिर माजिद जो कि श्रीनगर पहुंच चुके हैं अपनी आयरा माजिद के साथ में, और हो सकता है आने वाले व्लॉग में उनके दोस्त भी देखने को मिले उनके श्रीनगर में साथ में। अब लद्दाख राइड उनकी शुरू होने वाली है, तो डीसी अवंती पे लद्दाख टूर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। और डीसी अवंती जैसे ही उन्हें टो करवा के जम्मू से श्रीनगर तक पहुँचाई थी, ये देख सकते हैं आप। तो वो रैप पहले भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता था बट रैप निकालना पड़ गया उनको, बट अभी भी डीसी अवंती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और साथ में वो अपने हेलमेट भी कैरी कर रहे हैं, तो हो सकता है राइडिंग वाले व्लॉग्स भी देखने को मिले। बाकी ये वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली, इस सीरीज़ के बाद और भी कुछ तगड़ी तगड़ी सीरीज़ देखने को मिल सकती है आमिर माजिद के द्वारा लद्दाख सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद। वहीं बात कर ली UQ07 राइडर के प्रणव भैया की, जैसे कि शादी शुरू हो चुकी है और UQ07 राइडर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं शादी को लेकर प्रणव भैया की, ऐसा लग रहा है कि UQ07 राइडर की ही शादी है, प्रणव भैया की शादी नहीं है। तो आप उनके ये वाले व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही शादी ख़त्म हो जाती है प्रणव भैया की, तो हमको सुपरा में कुछ और मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। बाकी बात कर ली मोटो व्लॉगर जानू स्टंट की, तो जानू स्टंट ने ड्रैग रेस करी है अपने दोस्त के साथ सदाम दामा के साथ, तो DC Avanti और BMW की ड्रैग रेस हुई और रेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, दोनों ने ड्रिफ्ट्स भी मारी। बात कर लें कौन सी जीती DC Avanti और BMW में से, तो सदाम दामा की DC Avanti जीत की, BMW हार की जो कि जानू भाई की थी, जानू स्टंट की थी। तो स्पोर्ट्स का DC Avanti जीत की, उसके बाद जानू स्टंट ने अपनी BMW पर ड्रिफ्ट्स भी, सदाम दामा ने भी अपनी DC Avanti पर भी ड्रिफ्ट्स मारी। तो दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है, बंदी जीत गई सदाम दामा की और उसके बाद उन्होंने ड्रिफ्ट्स भी मारी। तो जैसे कि सबको पता है ऐसे भी DC Avanti अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब ये नहीं मिलती है, वैसे ही इंडिया की सुपर कार है। वहीं पे बात कर ले मानी गत्री व्लॉग्स की, तो मानी गत्री व्लॉग्स ने राइड करी बेनेली, तो उनके दोस्त की बाइक थी और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड ने भी इसी बाइक को राइड भी कराई, ये देख सकते हो। और अपनी उनने ड्रैग रेस भी करी KTM और बनेली की, तो बनेली जीत गई उसमें। ये आप पूरे ब्लॉग में ड्रैग रेस भी देख सकते हैं, साथ में उनकी गर्लफ्रेंड ने भी राइड करी और साथ में काफ़ी ज़्यादा बारिश लग चुकी थी उनके ब्लॉग बनाते हुए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों गिल्ले भी हो चुके, दोनों भीग चुके थे। और जल्दी ही जैसे कि उनके Z1000 ली है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने फैंस को जल्दी ही Z1000 या जैसे जो उनकी पुरानी बम्बल भी उन्होंने सोल्ड कर दी थी, Z1000 की जल्दी ही देखने को मिलेगी। और उनके लास्ट से लास्ट वाले ब्लॉग में भी हमको देखने को मिलती Z1000। वहीं बात कर ले राजा DC की, तो उनकी पुलिस वालों ने शीशों में से ब्लैक फेम उतार दी और नंबर प्लेट जो कि HSRP नंबर प्लेट नहीं थी, मॉडिफाइड नंबर प्लेट थी, वो भी उतार दी। वो दरअसल स्विफ्ट जो चला रहे थे, मॉडिफाइड स्विफ्ट चला रहे थे वो। और वैसे जैसे कि बताया था कि अंशु बत्रा का जब एक्सीडेंट हुआ था हाथ में, देख सकते हैं छोटी माइनर इंजरीज आई हैं, बाकी भाई बिल्कुल ठीक है। और उनकी गाड़ी टो करवा के DC Avanti टो करवा दी गई है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगी आगे से, अब इसको ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आगे वाला टायर भी पूरा है ही नहीं, टायर अपनी जगह से निकल चुका है और पूरी